रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 11वें दिन भी जंग जारी है और जंग के बीच देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जंग कहां जाकर थमेगी, क्योंकि ऐसा अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राजधानी की घेराबंदी पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें रूस की ओर से कहा गया है कि राजधानी की घेराबंदी पर हम आगे बढ़ रहे हैं, खास रणनीति के तहत कीव की घेराबंदी की जाएगी। ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर कहा है और ये देखने को भी मिल रहा है ग्राउंड जीरो पर। कीव के पास पावर प्लांट की ओर बढ़ी है रूसी फौज और खास रणनीति के तौर पर ऐसा सोच समझ कर किया जा रहा है। कीव को ब्लैकआउट करने की फिराक में है रूस और हमने पहले भी देखा था कि कैसे कीव में कई सैन्य ठिकाने तबाह करने का काम पूरा किया जा चुका है, ये अब रूस की ओर से दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी यही बयां कर रही है कि कैसे वहां पर इस वक्त एक आपात स्थिति बनी हुई है कीव और खारकीव में, खास तौर पर जो दो प्रमुख शहर हैं यूक्रेन के, यहां पर रूस की नजर टिकी हुई है और एक स्ट्रैटेजिक रणनीति के तहत वहां पर अब रूसी सेना काम कर रही है, यानी कि ब्लैकआउट किया जाए उसके बाद कीव में आगे की ओर रूसी सेना बढ़ेगी। कीव के पास पावर प्लांट की ओर भी रूसी फौज बढ़ रही है, ये तस्वीरें वही दर्शा रही है, वही बता रही है कि कैसे अब रूसी सेना कीव पर नजर बनाए हुए। Преня плюс. Я работаю. Першому. Чотири снаряди швидкі. Уменьши прицел уменьши. Преня, молодец. Готовность коли? По готовності доповідь. Прийняв плюс. Я работаю. Першому. Чотири снаряди швидкі.